हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पापड़ की रेसिपी। इन पापड़ों को हमने मैदे से बनाया है। मैदे से बने इन पापड़ों को हम बिना धूप के बनाएंगे। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तब भी आप इन पापड़ों को बना करके एक साल से दो साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये पापड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची होते हैं। तो इनकी क्रंचनेस देखिए, बने हैं ना क्रंची पापड़। और इन पापड़ों को बनाना बहुत ही आसान है। आप अकेले हैं तब भी इन पापड़ों को बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है। तो मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप जरूर सेट कर लीजिएगा। अब इसको एक बड़े बॉल में डाल देंगे। जिस कटोरी से मैदा लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए मैदे को हम फेंटेंगे। मैदे का हमें घोल बना के तैयार करना है। तो कितना पानी डालें इसके अंदाज के लिए आप कोई भी कटोरी या फिर कप जरूर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी हमने एक कटोरी पानी लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स कर रहे हैं। अगर हम पूरा पानी इकट्ठे डाल देंगे तो फिर लम्स पड़ने का डर रहेगा, फिर लम्स हटाने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए जब भी मैदे को घोलना हो तो पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करिएगा और चलाते हुए इसको फेंटते जाइएगा। फिर देखिएगा बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, अब हम इसको पूरा एक कटोरी पानी डालने के बाद चलाते रहेंगे और जब ये स्मूथ हो जाएगा तो फिर बाकी का पानी डालेंगे। तो यहाँ लीजिए, अब हमारा ये मैदा अच्छे से घुल गया है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रह गए हैं। चलिए अब इसमें और पानी डाल लेते हैं। तो इसमें सिर्फ आधा कटोरी पानी हम और डालेंगे, यानी कि हमें डेढ़ गुना पानी डालना है मैदे का। एक कटोरी मैदे में डेढ़ कटोरी पानी, एक कप मैदा है तो डेढ़ कप पानी, एक गिलास मैदा है तो डेढ़ गिलास पानी। इस मेजरमेंट से बनाइएगा, आपका घोल बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। घोल हमारा ठीक बना है कि नहीं ये चेक करने का एक और तरीका है, लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल लेंगे नमक। तो यहाँ पे आधे चम्मच से कम नमक डाला है और आधे चम्मच से कम कलौंजी डाला है। इसके अलावा आप जीरा, अजवाइन, कुटी हुई काली मिर्च और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब हम एक बर्तन में पानी रख देंगे उबलने के लिए। मैंने दो गिलास पानी रख दिया है उबाल आने के लिए। और यहाँ पे घोल हमारा तैयार है। अब इसको चेक करने का दूसरा तरीका देख लीजिए। बैटर को मिक्स करने के बाद जब हम चम्मच को उठाते हैं तो उस पर एक कोटिंग हो रही है। उंगली से एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे और ये देखिए, आपस में ये मिक्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है और ये रनिंग स्टेज पर है। अब हम इस तरीके की कुछ प्लेटें ले लेंगे पापड़ बनाने के लिए और उसमें ऑयल लगा लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने यहाँ पे दो तीन प्लेटें एक साथ ले ली हैं और सब में एक साथ ऑयल लगा के पहले रख लेंगे। उसके बाद इसमें हम बैटर डालेंगे। बैटर को डालने से पहले हमें घोल लेना है। जितनी बार हम डालेंगे घोलते हुए डालेंगे क्योंकि तली में बैठ जाता है। तो चलिए घोल लेते हैं। और अब एक चम्मच दो चम्मच जितना बड़ा आपको पापड़ बनाना है उतना हमें बैटर डालना है। तो ये प्लेट की साइज़ थोड़ी बड़ी है इसलिए डेढ़ से दो चम्मच बैटर इसमें आएगा। हमें पापड़ ना तो बहुत पतला बनाना है ना बहुत ही मोटा बनाना है। जब आप प्लेट में बैटर डालेंगे तो आपको खुद अंदाज हो जाएगा कि हम कितना बैटर डालें। तो यहाँ पर प्लेट की साइज़ के हिसाब से और चम्मच की साइज़ के हिसाब से दो दो चम्मच बैटर लग रहा है। इस तरह से डालते हुए ज़रा सा इसको घुमाएँगे और ये देखिए बैटर कितने अच्छे से फैल गया। इसी तरीके से सारे प्लेट में हम बैटर डाल करके पहले रख लेंगे। और अब इधर जो पानी हमने बॉयल करने के लिए रखा था उसमें भी उबाल आ गया है। तो इसके ऊपर प्लेट को रखेंगे और किसी भी लिड से इसको कवर कर देंगे ताकि भाप बाहर ना निकले। थोड़ी ही देर में देखिए, लगभग दो से तीन मिनट ही हुआ है और ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इस प्लेट को निकाल लेंगे और दूसरी प्लेट को उसके ऊपर रखेंगे और इसे फिर से कवर कर देंगे। थोड़ा सा इसे हमें ठंडा करना है फिर निकालना है। अब ये देखिए ऊपर से ड्राई है, इसका कलर डार्क है और जो अभी तक नहीं पका है उसका कलर देखिए लाइट है, उसमें चमक है। तो फिर थोड़े से हल्के से ठंडे होने के बाद इनको हम नाइफ की मदद से पहले किनारों को छुड़ाएंगे। किनारों को छुड़ाने के बाद हाथों से इस तरह से पकड़ के खींच लेंगे और ये देखिए कितनी आसानी से पापड़ बाहर आ गया है और कितने अच्छे शेप में बना है। अब इन्हें हम किसी कपड़े या फिर प्लास्टिक शीट पर डाल देंगे
और इधर देखिए हमारा दूसरा पापड़ भी हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। एक बार पापड़ को बनने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे पानी में उबाल आ रहा है और एक प्लेट को हटाने के बाद दूसरी प्लेट को रख देंगे। हल्का सा इसको ठंडा करेंगे और नाइफ की मदद से किनारों को छुड़ाते हुए हम पापड़ निकाल लेंगे। पापड़ निकालना बहुत ही आसान होता है। 2 से 3 पापड़ बनाने के बाद इसमें लगे हुए बैटर को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर इसमें ऑयल लगाएंगे। 4 से 6 बार बनाने के बाद प्लेट को अच्छे से धुल देंगे, उसके बाद पापड़ बनाएंगे वरना पापड़ चिपकने लगते हैं। तो चलिए 2-2 चम्मच बैटर डालते हैं और पापड़ बना लेते हैं। अगर आप अकेले हैं तब भी 3-4 प्लेटें रख लीजिए और पापड़ बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है इनको बनाना। एक साइड हमारा पापड़ हो रहा है और दूसरे साइड का हम निकाल रहे हैं। जब तक हम इनको निकाल के फैलाएंगे तब तक हमारा दूसरा वाला पापड़ पक जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने सारे पापड़ों को फैला दिया है। इसे हम पंखे की हवा में सुखा रहे हैं, धूप में लेकर नहीं गए हैं। पंखे की हवा में 7 से 8 घंटे सुखाने के बाद फिर इन्हें हम धूप में डाल देंगे, क्योंकि हमें इन्हें स्टोर करना है तो 1 से 2 घंटे धूप दिखाना ज़रूरी है। और ये देखिए अब हमारे पापड़ सूख गए हैं। कितने अच्छे पापड़ बने हैं, ना कहीं से फटे हैं ना टूटे हैं, एक भी क्रैक इसमें नहीं पड़ा है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे, फिर फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे तो पापड़ बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए जैसे ही हम इसको ऑयल में डालते हैं पापड़ों की साइज़ देखिए कैसे बड़ी हो जा रही है। तो देखने से लग रहा है ना कि कितने अच्छे पापड़ बने हैं। आप इस तरीके से, इस मेथड से पापड़ बना करके देखिए, आपके पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे। मार्केट से पापड़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में ही आप बहुत ही आसानी से पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमने पापड़ फ्राई कर दिए हैं। ये पापड़ टेस्टी तो होते ही हैं, क्रंची भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनकी क्रंचनेस देख लीजिए, आवाज़ से पता चल रहा है ना कि कितने क्रंची पापड़ बने हैं। तो देखा कितना आसान था इन पापड़ों को बनाना। आप बिना धूप के भी इन्हें बना सकते हैं, बना करके 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस बारिश के बाद आप इनको धूप ज़रूर दिखा दीजिएगा, फिर आपके ये पापड़ सालों साल चलेंगे। और एक बार बनाइए, पूरे साल 2 साल खाइए, जब मर्जी फ्राई करिए और तुरंत पापड़ आपके तैयार। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।